आपने पिछले 7.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को लगभग दोगुनी करने में सफलता प्राप्त की, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई, 7 लाख से अधिक नौजवानों को तो हम सरकारी नौकरी दे दिए गए और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को हमने निजी क्षेत्र में प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतरीन मॉडल खड़ा करके और निजी क्षेत्र में नौकरी उपलब्ध करवाई या रोजगार के साथ जोड़ा, प्रदेश के परंपरागत उद्यम को पुनर्जीवित करवाया। आज प्रदेश में रोजगार की कमी नहीं, और ये तो हमारा सौभाग्य है कि देश का सर्वाधिक युवा हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर है और वह युवा कामकाजी तबके का है, स्किल मैन पावर है, उसकी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ हम राज्य के लिए ले रहे हैं। कोई सरकारी नौकरी के माध्यम से, कोई स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करके, कोई एमएसएमई के माध्यम से, कोई अलग अलग जीवन के अलग अलग फील्ड में जाकर के वह अपना योगदान दे रहा है। ऐसे ही वन विभाग ने भी पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर किया। वन विभाग में आज से 7.5 वर्ष पहले एक खबर जरूर आती थी कि जंगल सफाया हो गए, काट दिए गए। इसी उत्तर प्रदेश में बहराइच में और कहां कहां पे हमें सुनने को मिलता था कि वहां पर जंगली जानवरों का शिकार हो गया, लेकिन पिछले 7.5 वर्ष के अंदर वन का आच्छादन उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है लगातार। यानी अभी आप विभाग के मंत्री कह रहे थे, सक्सेना जी कह रहे थे कि कैसे हम लोगों ने इस वर्ष 36 करोड़ से अधिक पेड़ लगा करके वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त करके एक पेड़ मां के नाम के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारा है, यह उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला। यानी एक बड़े अभियान को कैसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जाता है, और ये केवल इसी वर्ष नहीं, पिछले 7-7.5 वर्ष से लगातार ये क्रम चल रहा है, लगातार चल रहा है। अब तक उत्तर प्रदेश ने लगभग 200 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को आगे बढ़ाया, और सबसे अधिक सबसे अच्छी बात क्या है, केवल वृक्षारोपण करना नहीं, वन विभाग जो वृक्षारोपण करता है उसमें 75% से अधिक वृक्ष जीवित पाए गए। विभिन्न विभागों के स्तर पर जो वृक्ष लगाए गए उनमें भी 65% से 70% वृक्ष जीवित पाए गए।